मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स और लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, एडीएचडी, डिसग्राफिया, अदर डिफिकल्टीज। मेरे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स एक प्रॉब्लम लेके आए जो था डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की हैंडराइटिंग के बारे में मुझसे बात किया और उन्हें जानना था कि वो आज के टाइम पे अपने बच्चों की हैंडराइटिंग को कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं कुछ होम रेमेडीज मतलब घर के कुछ तरीके के साथ आपके बच्चों को हेल्प करना चाहूंगी। कुछ टिप्स हैं जो हम अपने बच्चों की हैंडराइटिंग और उनके पेंसिल होल्डिंग पे हम बात करेंगे और उसी के साथ हम वर्कआउट करेंगे। पहला, चेंज द पेपर यूज्ड फॉर राइटिंग। हम बच्चे को जो पेंसिल देते हैं उस पे हम उनको प्रेशर सीकिंग का हेल्प दे सकते हैं, राइटिंग देम अंडर द बटर पेपर। बटर पेपर में बच्चों को पता चलेगा कि कितना प्रेशर उनको लगा के लिखना है या फिर उनको कितना प्रेशर नहीं लगाना है वाइल दे आर राइटिंग। और आपने देखा होगा ऊपर की इमेज में कि बच्चे इस तरीके से पेंसिल होल्ड करते हैं व्हेन दे पुट सम प्रेशर वाइल राइटिंग। सेकंड, हम प्लेडो पे बच्चों को लिखने का बोल सकते हैं, वो प्लेडो उन्हें दे सकते हैं और वो प्लेडो पे वो लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मल आटे का डो बना के उनको पेंसिल देके आप उसमें ए या बी लिखने को बोल सकते हैं, या फिर सैंड, सैंड में हम उनको लिखने को अपने उनके फिंगर्स के साथ लिखने को दे सकते हैं और वो बच्चा उस स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझेगा कि कैसे लिखना है। नेक्स्ट, चेंज द राइटिंग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर योर ओन चाइल्ड यूजर्स। हम उनको फेदर्स, फेदर के साथ इंक कि उनको कैसे लिखना है, गिविंग देम अ स्टिक कि ए बी, एक स्टिक की मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियसली बात किया सैंड राइटिंग, सैंड राइटिंग में भी हम बात कर सकते हैं उन बच्चों को सैंड में एक टेक्सचर्स फील के साथ, प्लेडो में स्टिक के साथ उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उन बच्चों के हाथ में कलर्स और उनको शीट दे के उनको बोले कि आप इस कलर को यूज़ करके, वाटर कलर को यूज़ करके एक लेटर बनाएं, तो बच्चा काफ़ी सारी अलग टूल्स के साथ वो लिख रहा है। जैसे प्लेडो राइटिंग विद द स्टिक और सैंड राइटिंग। थर्ड, टीच योर चाइल्ड टू टाइप एंड इफेक्टिवली यूज अ कंप्यूटर कीबोर्ड। यस, आप उनको कीबोर्ड की मदद से उनको एक टाइपिंग में मदद दे सकते हैं कि हाउ टू राइट वाइल यूजिंग द कीबोर्ड इन द कंप्यूटर। इट विल डेफिनेटली इफेक्ट देम विद देयर हैंड राइटिंग एंड विद देयर नोइंग देम व्हाट लेटर इज व्हाट। इंट्रोड्यूसिंग योर चाइल्ड विद ग्रॉस मोटर स्किल। हम ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग ऑन प्लैंक और एक लाइन मेंटेन करके उनको उनमें वॉक करवा सकते हैं, जिससे उनका एक अटेंशन सीकिंग जा रहा है, वो अपनी मिड लाइट क्रॉसिंग मतलब उनको लेफ्ट राइट के तौर पे पता चल रहा है, या फिर एक हॉपस्कॉच, बहुत अच्छा गेम जो हम बचपन से खेलते आए हैं, आप उनको एक हॉपस्कॉच दे सकते हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि वॉक विद अ वन लेग इन वन टू थ्री देन फोर एंड फाइव एंड सिक्स। आप हॉपस्कॉच को कलर वाइज भी कर सकते हैं, आपने वन में ग्रीन कलर कर दिया, टू में येलो कलर कर दिया, थ्री में ब्लू कलर कर दिया, तो बच्चा उससे आप कलर कोऑर्डिनेशन पे वर्क करेगा, वो अपने इमेजिनेशन पे वर्क करेगा, या फिर ऑब्स्टिकल पिकिंग, जैसे प्लैंक पे वॉक करते साथ ही उसको आपने ऑब्स्टिकल पिकिंग का बोल दिया कि आपको ऑब्स्टिकल पिक करना है और आपको आगे मूव करना है, या फिर आप अपने बच्चों को एक क्लोथ से दूसरे क्लोथ मतलब एक वेट क्लोथ आपने दिया और वो दूसरी जगह पे वेट क्लोथ
डाल रहा है, एक बकेट पे डाल रहा है, तो उससे उसका ग्रॉस मोटर, उसका आर्म्स, उसके हैंड सब उसको हेल्प कर रहा है। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फ्रॉग जंप, मेनी मोर एक्टिविटीज यू कैन हेल्प फॉर योर ओन चाइल्ड फॉर द ग्रॉस मोटर स्किल्स। आगे हम बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग अ फाइन मोटर स्किल। जैसे मैंने इमेज में दिखाया है, काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस किया है, बहुत सारे फाइन मोटर स्किल्स। आप पेंसिल के साथ जो फर्स्ट एक्टिविटी है, दैट इज विद द स्पॉन्ज, आप वहाँ पे एक स्पॉन्ज की जगह पे अपने लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को स्पॉन्ज रखो और अपने ट्राईपॉड ग्रिपिंग के वहाँ पे पेंसिल एंड होल्ड देम टू राइट, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि हमारे हाथ में कुछ है। एंड गिविंग देम द एक्टिविटी, देन गिविंग देम द मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी, मतलब दोनों तरफ से वो अपना अटेंशन के साथ वो गेम खेल रहे हैं, लाइक अ चाइल्ड इज डूइंग अ गेम विद द टू बॉल। देन आप उसको प्ले डो को आप दे सकते हैं विद अ टूथपिक एंड आस्किंग देम टू पुट दिस इन द बॉक्स। एंड इमेजिनेशन ट्री आप प्ले डो में खेल सकते हैं, जिससे बच्चा को पता चले कि यस, मुझे इस प्ले डो में इतना प्रेशर के साथ अपना ये इमेज प्रिंट करना है या फिर ये इमेज हमें बनाना है। रबर बैंड एक्टिविटीज, आप उनको रबर बैंड किसी भी स्ट्रक्चर्स में दे के आप, क्योंकि रबर बैंड जब बच्चा पुल करता है तो उसके फिंगर्स उसमें यूज होते हैं, तो उसके तरीके से उसका फाइन मोटर स्किल्स इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, प्ले डो के साथ हम काफ़ी चीज़ें खेल सकते हैं। जैसे मेरे एक इमेज दिखा रहा है कि आपने इसको टोंग दे दिया और एक पॉम्पम पिक करने को बोल दिया रबर बैंड। ये हम बेशक बहुत सारी गेम्स में देखते हैं कि रबर बैंड बच्चा अपने हाथ में डाल के वो स्ट्रेच करता है। यस, इट्स हेल्प देम फॉर द फाइन मोटर स्किल्स। नेक्स्ट, देयर इज अ एक्टिविटी विद एडिशन। यस, आप उनको एडिशन के साथ आप उनको प्रेशर, मतलब जो हमारे क्लोथ पेन होता है या फिर हमारे ये पेपर पेन होता है, यस, उनको प्रेस करने में काफ़ी सारे प्रेशर्स लगते हैं, तो आप उन्हें कलर कोऑर्डिनेशन, उनको आप मल्टीप्लिकेशन, इमेजिनेशन स्किल आप उनको सिखा सकते हैं, या फिर उन्हें रिकॉग्निशन स्किल आप उनको साथ में गेम के थ्रू आप सिखा सकते हैं। साथ साथ आप लेमन स्क्वीजिंग, मतलब लेमन को निचोड़ के आप उनको गेम करवा सकते हैं, यस, वो उनको फाइन मोटर स्किल में डेवलप करेगा। सेकेंडली, रिमूविंग द फेविकॉल फ्रॉम द हैंड, आप उनके हाथ में फेविकॉल लगा दीजिए, आप फेविकॉल उन्हें रिमूव करने बोलिए तो वो यस, डेफिनेटली फेविकॉल रिमूव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं शू लेस रिमूविंग या शू लेस को वापस डालने के लिए। जो शू लेस होता है उस पर हम अगर वापस डालें, क्योंकि वो एक बहुत ही, मतलब हमारे पिंसे ग्रिपिंग या ट्राईपॉड ग्रिपिंग के साथ हम एक शू लेस को अंदर डालते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा हमारा एक्टिविटी बहुत सिंपली, हम बहुत ईजिली डालने की कोशिश करते हैं, पर वो कभी कभी नहीं होता। यस, गिविंग देम दैट टफ एक्सरसाइज। रोलिंग अ डो विद अ फिंगर, मतलब जो हमें आटे का हम गोल बनाते हैं, हम उसको उनको बच्चों को दे सकते हैं उनको फिंगर से रोल करने के लिए। देन वेलक्रो शूज से हम उनको बोल सकते हैं कि वेलक्रो को ओपन करो, क्लोज करो। बटनिंग अनबटनिंग योर ओन शर्ट्स बटन, उनको बटन्स के साथ हम उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि बटन्स बहुत छोटे होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम डिफिकल्टीज, कभी कभी बहुत ईजिली दे कैन पुट द बटन्स, बट येस, अनबटनिंग में उनको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। आप उन्हें पेबल्स दे सकते हैं बैलून्स में डालने के लिए, बैलून से वो पेबल्स डालेंगे, क्योंकि एक हाथ से वो बैलून्स पकड़ेंगे, एक हाथ से पेबल्स डालेंगे, दैट विल डेफिनेटली क्रिएट सम इशूज अमंग द चाइल्ड। आप बहुत सारे एक्टिविटीज फाइन मोटर स्किल्स के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर बाय बाईपासिंग प्रिंटिंग एंड प्रोसीडिंग डायरेक्टली ऑफ कर्सिव राइटिंग। प्रिंटिंग बाय, मतलब इसलिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यस, उनको एक कलर रिकॉग्निशन और अपने हाथ को मैसी करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या फिर क्योंकि वो, मैंने काफ़ी बार ये नोटिस किया कि बच्चे के पास एक इरेजर नहीं होता है तो वो काफ़ी अपने हाथ को मैसी कर लेता है और वो अपनी पेंसिल से बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत स्क्रिबल करता है। कर्सिव राइटिंग स्क्रिबलिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि मुझे कैसे स्क्रिबल करना है, मुझे कैसे एक लेटर फॉर्म करना है। स्क्रिबलिंग इज अ बहुत इनिशियल स्टेप होता है जो आगे हम प्रोसीड करवाता है। डेवलप एंड यूटिलाइज नरेशन और स्पीकिंग स्किल व्हेनेवर इज पॉसिबल।
आप क्रिएटिव थिंकिंग के साथ बच्चों को एक प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आपने कहीं एक स्ट्रक्चर देखा, फॉर एग्जाम्पल एक चेयर देखा, चेयर के साथ साथ आपने एक टेबल देखा, आपने एक स्टोरी फॉर्म कर दी, आस्किंग देम टू मेक सम नेक्स्ट स्टोरी फॉर योर ओन चाइल्ड। क्रिएटिव स्टाइल से आप उनको एक नरेशन स्टोरी टेलिंग पे आप उनको इनिशिएट कर सकते हैं। Work together to evaluate and change writing goals as needed. Yes, आप उनको एक विजुअल टाइम टेबल, मतलब उनके सामने एक शेड्यूल टाइम टेबल आपने बना दिया और आपने उन्हें बोला कि ये टाइम टेबल पे आपको इतना गोल अचीव करें। यू कैन डू दिस विद द राइटिंग स्किल ऑल्सो। आपने एक राइटिंग टाइम टेबल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 मिनट्स दिया एक पैराग्राफ लिखने को, देन यू गिव देम योर चाइल्ड अ 10 मिनट्स कि आपने 10 मिनट्स में आपको ये गोल कम्प्लीट करना है विद अ गुड हैंड राइटिंग। आप उस हैंड राइटिंग को आप उसमें प्लेडो में लिखवा सकते हो, सैंड में लिखवा सकते हो, बटर पेपर में लिखवा सकते हो, साथ साथ आपके पास अगर उनके सिबलिंग्स के साथ आप ये गेम कर सकते हो, बिकॉज एक एवेल्युएशन में दे विल हैव सम कॉम्पिटिशन लेवल। आप उसको कॉम्पिटिशन लेवल के बाद अगर इफ दे आर डूइंग रियली गुड, गिव देम अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बिकॉज इट विल रियली हेल्प योर चाइल्ड। एक अचीवमेंट के तौर पर वो बच्चा है अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट एंड यूज लार्ज एयर राइटिंग टेक्निक्स। एयर राइटिंग टेक्निक्स हम कहते हैं कि जब हम इमेजिनेशन में ड्रॉ करते हैं या कुछ लिखते हैं, सेम व्हाट इट इज लाइक, हम उनको इसके अलावा सैंड राइटिंग, जैसे आपने एक लेटर दिया टी, आपने उसको बोला कि टी लिखना है तो उसने एक सैंड पे टी लिखा, या फिर यू गिव देम सम लेटर टू राइट इन अ सैंड, आप सैंड की जगह पे यू कैन डू लाइक आप सूजी यूज कर लीजिए, सूजी को आप कलर सूजी कर दीजिए, उसमें कलर डाल के इट विल मोर इंट्रैक्टिव फन फॉर देम। साथ साथ आप उनको काइनेटिक साइंस अवेलेबल होता है, जो हम काइनेटिक साइंस में बहुत बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको साथ सीखने की कोशिश करते हैं। मेक यूज ऑफ अदर मल्टीपल सेंसरी टेक्निक्स। यस, आप उनको बहुत सारे सेंसरी, जैसे चने के साथ आपने कर दिया, आपने चना दे दिया और उनको आपने बोला कि इस पे लिख के दिखाओ, या फिर आपने उनको कुछ चावल दे दिया, या फिर आपने उनको बटन्स दे दिया एंड फॉर्मिंग अ लेटर एंड आप उनको बोल रहे हो कि आपको एस लेटर से यहाँ पे ऐसे लिखना है। बहुत ज़्यादा ये एक्सपीरियंस मैंने किया है व्हेन आई गिव देम माय किड्स लाइक कुछ थम्पिंग पैंट, या फिर कुछ दे दिया उनको बोला कि लेटर फॉर्म करना है व्हाइल मेकिंग देम टू सी। इट्स वेरी इफेक्टिव। आप घर में ये एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। येस, डेफिनेटली आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा व्हाइल प्रेशर, while knowing their imaginations, कभी कभी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा ये लेटर को ओवरलैप करता है, like I taught about like scribbling, आप उनको scribbling के तौर पे आप उनको सिखा सकते हैं, आप mix colors के साथ सिखा सकते हैं, using a different form of colors, and moreover giving them a very good platform, उनको एक study center बनाइए, जहाँ पे एक study station हो, एक table form हो, एक proper sitting, proper arrangement ho, that will really help your child to develop more.